यूपी के हमीरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन और पॉजिटिव मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में सर्वे कर रही है और इसी कड़ी में नोडल अधिकारी रवि कुमार एनजी ने जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन वार्ड का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारियों के रिकॉर्ड चेक किए और पहला डोज ले चुके लोगों को समय से दूसरा डोज लिए जाने के निर्देश स्वास्थ्य कर्मियों को दिए। साथ ही वैक्सीन के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को सही सलाह देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर सीएमओ सहित जिला अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश में पिछले 6 दिन से हम लोग कंटिन्यूसली गांव से और वैक्सीन सेंटर L2 हॉस्पिटल L1 हॉस्पिटल निगरानी समितियों के माध्यम से और RRT टीम के माध्यम से सबके साथ बातचीत चल रही है। थोड़ा वैक्सीन में लोगों का रुचि कैसा पैदा किया जाए, ठीक है, सोलह लोग खुद आ करके करा ले, उस एंगल से जो पिछले 3 दिन का कंडीशन था उससे आज बेहतर हुआ है कि करीब 50 लोगों ने लगवाया है। तो जनता के बीच में जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, तो कन्विंस करें लोगों को कि किस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो रही है। और जैसा आज मैंने एक लाभार्थी है उनसे बात भी किया हूँ, उन्होंने फर्स्ट डोज लगवाए थे, तो उन्होंने वो फर्स्ट डोज लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि साहब मुझे 5-6 दिन के लिए बुखार आ गया था। जो भ्रम है लोगों में उस भ्रम को दूर करने का काम हम लोग करें, सो दैट लोग प्रेरित होकर के वो खुद आकर के करवा लें।